guys, how are you? Heartily welcome in our live class. आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे live class में. Guys, हम close के बारे में discuss कर रहे थे और close में हमने sub close, जिसे हम subordinate close या dependent close बोलते हैं, उसके जो three parts थे उनमें से noun close, एडजेक्टिव क्लोज हम पढ़ चुके थे और एडवर्ब क्लोज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. गाइज, हमने पिछली क्लास में इसके पार्ट वन के बारे में डिस्कस कर लिया था. अब हम इसके पार्ट टू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. गाइज, मैंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताए थे या कंजक्शंस जिनको हम नाम दिया था, जिनसे एडवर्ब क्लोज बनती है, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइप, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे. गाइज, हम आगे यहां देखते हैं. देखो, कुछ ऐसे कंजक्शंस होते हैं जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं. हम पहले वाले कंजक्शंस पर चलते हैं. एज सून एज या इमीडिएटली, इन दोनों का यूज कब करते हैं? जब दो कार्य एक के बाद दूसरा हो, दो एक्शन हो एक के बाद में दूसरा हो. इमीडिएटली, एज सून एज, जैसे ही हम विद्यालय आए, जैसे ही घंटी बजी. तो देखो, ऐसी कंडीशन में हमें किसका यूज करना पड़ेगा? एज सून एज का. एज सून एज आई रिच्ड स्कूल. देखो, एज सून एज आई रिच्ड स्कूल, जैसे ही मैं विद्यालय पहुंचा, स्कूल पहुंचा, द बेल रिंग. यहां पर गए स्कूल पहुंचने और घंटी बजने के जो एक्शन हुआ है, उन दोनों के बीच में माइनर सा गैप है, ज्यादा गैप नहीं, इसलिए हम इसका यूज करेंगे. देखो गाइज, अब आपसे मैं एक और चीज जानकारी लेता हूं. ये वाली जो क्लोज है हमारी, इसको हम कौन सी क्लोज नाम देंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज या मेन क्लोज? गाइस, ये सबऑर्डिनेट क्लोज होगी और हमारी मेन क्लोज ये होगी. इसका यूज समझ गए आप? जैसे ही दो एक्शन हो जिनके बीच में माइनर गैप हो, दोनों एक्शन ऐसे लगे कि एक हुआ और उसके जस्ट बाद में दूसरा हुआ, तो उस कंडीशन में एज सून एज का या इमीडिएटली का यूज करेंगे. टेल मी इमीडिएटली यू हैव any news. Tell me immediately you have any news. तुम्हारे पास में कोई न्यूज हो तो तुरंत मुझे बताएं. तो immediately भी क्या करता है guys? ऐसे action को represents, ऐसी close को represents करता है जो अभी हुई हो, just हुई हो. देखो, you have any news. ये वाले जो हमारी close हैं, हम इसको sub close नाम देंगे. यानी ये subordinate close होगी जो हमें time बताती है. एडवर्ब क्लोज होगी, एडवर्ब क्लोज की टाइम बताने वाली क्लोज होगी. दूसरे कंजक्शन पर चलते हैं. द सूनर, पहले वाले एक्शन का प्रभाव दूसरे पर पड़े. ऐसी कंडीशन में क्या होता है गाइस? देखो, जो फर्स्ट हमारा एक्शन था उसका इफेक्ट हमारे दूसरे जो हमारा एक्शन होगा उस पर पड़ेगा. हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस तरह से लिखा रहता है ब्लैंक और वहां पर हमें फिलअप करना पड़ता है कंजक्शन. तो देखो, ये डबल बार रिपीट होते हैं दोनों क्लोज में. यानी द सूनर वी स्टार्टेड, द सूनर वी विल रीच देयर. जितने जल्दी हम चलेंगे उतने ही जल्दी वहां पहुंचेंगे. तो ये वाली कंडीशन हो तब हमें द सूनर का यूज करना पड़ेगा. हम नेक्स्ट पर चलते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए. पहले हम समझते हैं, देखो, टिल और अंटिल में क्या डिफरेंस है. टिल का होता है तब तक, और अंटिल का तब तक नहीं. तब तक नहीं, देखो, इस वाली क्लोज से, यानी सुनो, अंटिल से जो क्लोज बनेगी वो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि इसका मीनिंग पहले से नेगेटिव है. नकारात्मक सेंस देने वाले वर्ड्स का उसमें यूज नहीं होगा. उससे पहले वाली क्लोज में या मेन क्लोज में हो सकता है. देखो, टिल और अंटिल क्या करता है? एक ऐसी स्टेट को बताता है और एक ऐसी सिचुएशन बताता है. गाइस, हम सिंस के बारे में बात कर रहे हैं. सिंस क्या करता है? देखो, इसके साथ में इसके आगे वाली जो क्लोज होगी वो फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, और इसके बाद वाली जो क्लोज है वो पास्ट सिंपल में होगी. क्या ऐसा है? क्या नहीं है? आफ्टर के बाद में क्या होता है? आफ्टर के बाद में बताओ, बोलिए, आवाज नहीं आ रही मेरे पास, कमेंट्स कीजिए. आफ्टर के बाद में परफेक्ट होता है. तो यहां देखिए गाइस, ये सारा का सारा, ये दोनों हमारे पास में यहां पर सही नहीं हो पा रहे हैं. तो टिल बचा, टिल को इसमें भरकर इसका सेंस निकालने की कोशिश करते हैं. आई विल वेट टिल, मैं जब तक इंतजार करूंगा
आई हियर फ्रॉम यू, जब तक मैं तुमसे कोई कॉल न सुन पाऊं, यानी तुमने न सुन पाऊं, यानी सुनता हूं, तब तक मैं क्या वेट कर रहा हूं। तो देखो आप अंटिल और टिल को समझ गए हमने। टिल और अंटिल क्या बताते हैं, स्टेट और ड्यूरेशन या कोई सर्टेन मोमेंट तक जारी रहे, ऐसी एक्टिविटी की बात करते हैं। गाइस इस बात को आप अच्छे तरह से ध्यान रखिए, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल और अंटिल को कैसे बढ़ना होता है आप ये भी समझ गए होंगे कि अंटिल के साथ में जो क्लोज होती है वो उसमें नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं कर सकते, यानी कि नॉट या कोई जो भी नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड्स हैं उनका यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव होता है। इसका अर्थ होता है जब तक और इसका अर्थ जब तक नहीं। अंडरस्टूड? देखो गाइस हमारे पास में थ्री कंजक्शंस और बचे हैं जिनके बारे में डिस्कस करते हैं, और एडवर्ब और क्लोज के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। कोई भी क्लोज ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे थे, इन कंजक्शंस को देखते हैं। देखो व्हाइल जबकि एक्शन साथ में हो, दो एक्शन ऐसे हो जो साथ में चले पैरेलल चले तब हम इसका यूज करते हैं। समझिए देखो यहां पर व्हाइल दे वर स्लीपिंग, जब वे सो रहे थे। देखो यहां पर दो एक्शन से तो सोने का कार्य, द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस, उसी बीच में यानी उसी दौरान चोर क्या हुए, घर के अंदर आ गए, घर के अंदर आ गए। तो देखो अब इसका जबकि होता है एक्शन साथ साथ में हो तो हम व्हाइल का यूज करते हैं। जस्ट एज एट द एग्जैक्ट मोमेंट, ठीक उसी समय। देखो जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द स्कूल, जैसे हम स्कूल से बाहर आए, द रेन स्टार्टेड, वर्षा शुरू हो गई। रेन स्टार्टेड होना यानी कि स्कूल से बाहर आने के समय में कोई डिफरेंस नहीं है, उसी समय जैसे ही। बिफोर आप समझते हैं, बिफोर का अर्थ पहले होता है। ही लेफ्ट बिफोर आई कुड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प, वो चला गया उससे पहले कि मैं उससे निवेदन कर सका सहायता के लिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यहां पर देखिए बिफोर का अर्थ पहले, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये पहले से आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिए। तो इस तरह से गाइस देखो हमने सारे के सारे जो ऐसे कंजक्शंस थे जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम को बनाते थे उनके बारे में डिस्कस किया। मैंने उन सबको आपको एक 11 पार्ट से 11 नंबर में आपको बताया है और एक एक करके सबके बारे में डिस्कस किया है। आप इनको एक बार फिर से रीड कीजिए और एडवर्ब क्लोज बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और इनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको भी आपने जाना है, और उन सारी बातों को आप याद रखिए, आपसे कभी गलती नहीं होगी। आई होप आपके एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम समझ में आई होगी। देखो ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, आप बिना किसी माइंड में स्ट्रेस लिए भी इसे सीख सकते हैं। आप इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। अब हम एडवर्ब क्लोज की दूसरे जो पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैसे कि रिलेटिव क्लोज है। गैजम एडवर्ब क्लोज के पार्ट्स को या उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास में एक नए सब यूनिट है रिलेटिव क्लोज। गाइस रिलेटिव क्लोज क्या होती है, किस प्रकार से बनते हैं, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो रिलेटिव क्लोज का सीधा सा मीनिंग हुआ यानी ऐसी क्लोज जो किसी न किसी नाउन से रिलेट हो, नाउन या प्रोनाउन से रिलेट हो, या प्रोनाउन से रिलेट करती हो। देखो बहुत ही इजी है ये यूनिट हमारी, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब देखो रिलेटिव क्लोज कैसे बनती है, गाइस की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सीधे हमारे एग्जाम्स में रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या हमें जो करेक्शन करने होते हैं यानी एरर्स को जो हमें ठीक करना होता है हम उसको लेकर ही बात करेंगे, ज्यादा डीपली से यहाँ पर बात नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत सारे टाइप्स होती है इसकी, इनका यूज डिफरेंस होता है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, हम उसको देखते हैं एग्जाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर रहा हूं। आई वेट आई सा हिम, देखिए गाइस मैंने एक सेंटेंस लिखा
guy. I saw him blink. I met yesterday. मैंने उसको देखा जिससे मैं कल मिला था। दोस्तों यहाँ पर ये भी लिख दिया आई मेट हिम यस्टरडे। अरे अब देखिए आपने क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे पास गाइड आप ध्यान दीजिए, सीबीएसई वाले और आरबीएससी क्लास वाले बच्चे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है ग्रामर से रिलेटेड, तो यहाँ उनके देखो इस प्रकार से ऑप्शन लिखे रहते हैं। आपको इन तीनों में से एक को पढ़ना है, और हमारे जो सीबीएसई के एग्जाम होते हैं टेंथ उसमें ऐसा होता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, अब आप उनसे कहा जाता है कि आप इसमें जो एरर है उसको फाइंड आउट कीजिए और उसका करेक्शन कीजिए। तो वो ऐसा ही ये हु आई मेट हिम यस्टरडे ये लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको देखते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। देखो गाइस आपको मैं एक बात बताऊंगा, देखो मैं बताने वाला हूं हु और हुज ये क्या किसी पर्सन के लिए यूज होने वाले रिलेटिव प्रोनाउंस है, और जो इनसे जो क्लोज बनती है उस क्लोज को हम रिलेटिव क्लोज बोलते हैं। इन तीनों का यूज एक किसी ने किसी पर्सन के लिए होता है। अब देखिए हु कब होता है, हुम कब आता है और हुज कब आता है। गाइस आपको एक बात याद रखनी होगी, इसका जो केस है ये सब्जेक्टिव केस होता है, यानी ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, और ये पसेसिव एडजेक्टिव होता है। आप इस तरह से याद रखिए इसको, पसेसिव एडजेक्टिव होता है। अब मुझे बताइए आप, अगर सब्जेक्ट होगा यहां पर हम हु भर दे तो सब्जेक्ट को तो क्या चाहिए, वर्ब चाहिए यहां पर जो आईडी, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। मैं आपको एक वर्ड्स को लेकर डिस्कस करके बताऊं आपको, तो यहां पर ये रॉन्ग हुआ या सही हुआ। देखो अगर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को तो यहां वर्ब चाहिए, तो वर्ब आईडी, तो ये गलत हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो कब बनता है आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, कोई सा भी डब्ल्यूएच वर्ड ठीक बाद में यदि कोई ना कोई प्रोनाउन आ गया या नाउन आ गई, जैसे यहां पर लिखा मैंने हु आई मेट, तो याद है कि आपका ये आ गया यहां पर ये प्रोनाउन है, और इसके आगे जो डब्ल्यूएच वर्ड आया ये सब्जेक्टिव केस ना होकर ऑब्जेक्टिव केस में आएगा या ऑब्जेक्ट होगा ये, तो ये तो वैसे केस सब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या हुआ देखो एक प्रोनाउन आया है इसलिए इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ये यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर से रिपीट करता हूं मेरी बात को, यदि कोई सा डब्ल्यूएच वर्ड हो उसके ठीक बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन आ गए और वहां क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, तो ये जो नाउन या प्रोनाउन आने के कारण ये डब्ल्यूएच वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओके कोच क्या वो पता है, देखो पसेसिव एडजेक्टिव है तो पसेसिव एडजेक्टिव को नाउन चाहिए या नाउन है क्या नहीं है, अंडरस्टूड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, यहां क्या आएगा, यहां हु आएगा। वापस देखो हमें ये इसी बात का रखना है कि यह हमारा हु गलत है, यहां पर हु माना चाहिए क्योंकि आई आने के कारण यहां वर्ब नहीं है, वर्ब नहीं है तो ये क्या है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हु बनता है। इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम रिलेटिव क्लोज को पढ़ते हैं। ओके अब देखो कौन कौन से ऐसे डब्ल्यूएच वर्ड्स या अन्य वर्ड्स से या अदर वर्ड्स से जिनसे हमारी रिलेटिव क्लोज बनती है, पहले उनको आप नोट करवाता हूं, उनको लिस्ट आउट करते हैं हम, और फिर उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हमारा हु, अब हु देखो अ पर्सन, मैं इस तरह से लिख देता हूं इसका समझ आना कि ये कोई ना कोई पर्सन के लिए आता है, कब केस के इसका केस भी याद रखिए सब्जेक्टिव केस है ये, तो ये ऑब्जेक्ट भी बनता है लेकिन बताओ कब बनता है ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्टिव केस है। दूसरा है हमारा हु, ये भी अ पर्सन यानी किसी ने किसी पर्सन के लिए होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसका केस ऑब्जेक्टिव होता है। और हमारा एक हुज है उसे वो भी अ पर्सन के लिए यानी लिविंग पर्सन के लिए आएगा, ये हमारा पसेसिव केस है। इस बात को समझ गया हमें, अगर मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि सब्जेक्टिव केस है तो उसे वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट है तो उसे नाउन और प्रोनाउन चाहिए, और पसेसिव एडजेक्टिव अगर तो उसको क्या चाहिए, बोले क्या चाहिए, यहां पर केस की बजाय आप एडजेक्टिव लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा। ओके
उसे नाउन चाहिए, अगर पसेसिव एडजेक्टिव तो नाउन चाहिए, तब हु का यूज होगा। अब देखो ये तो हमारे लिविंग पर्सन के लिए बात हुई, एक इनके देखो अगर नॉन लिविंग है तो उसके लिए विचार आएगा, ये नॉन लिविंग पर्सन के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आएगा ये विच। अंडरस्टूड? ठीक है सर। हमारे पास में एक नया डब्ल्यूएच वर्ड से व्हाट, क्या, तो यहां इसका अर्थ क्या नहीं होगा, इसका अर्थ जो या जिसे, इस तरह से इसका मीनिंग निकालेंगे। इसका यूज कब करेंगे बता दूं आपको। फिर हमारे पास में डेट है, इसका मल्टी यूज है, यहां पर लिख देता हूं मैं मल्टी, मल्टी यूज, इसका बहुत तरीके से यूज होता है, सबकी जगह पर आ सकता है, कब कब आएगा बात करेंगे। आप पहले इनको नोट कीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। आपने नोट कर लिया नहीं? देखो इसके बाद में हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास में रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेटिव क्लोज बनाते हैं। गाइड अब अपने याद रखने के तरीके से याद रखिए, सेवन है वेन, इनके मीनिंग जानते हो आप, वेयर, हाउ है, सॉरी वाई, वाई रीजन बताता है, और एक टेल नंबर है हमारे पास में हाउ, ये प्रोसेस तरीका बताता है। आप इनको नोट कर लीजिए, मैं एक एक वर्ड को लेकर आपसे डिस्कस करता हूं। गाइस हम रिलेटिव क्लोज के बारे में बात कर रहे थे और किस प्रकार के हमारे क्वेश्चंस वहां पर आने वाले हैं, सीधा उन्हीं की बात कर रहे थे, और उन्हीं क्वेश्चंस से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन किस प्रकार से रोल प्ले करते हैं, किस प्रकार से बिहेव करते हैं, ये सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। गाइस हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन इस तरह से पुट अप किए जाते हैं, द बॉय प्लेइंग होता है, विच, हु, होम, टॉप द क्लास, वॉज अवॉर्डेड। यहां पर भी हमारे पास में जो ऑप्शन हैं, इनमें से कोई ना कोई एक को सेलेक्ट करना है, चूज करना है। अब देखो गाइस हमें क्या करना है, इस चीज के लिए हमें इस ब्लैंक के आगे और पीछे देखना है। तो देखो आगे हमारे पास में, पीछे हमारे पास में बी टू है यानी वर्ब है, और आगे हमारे पास में कोई कोई ना कोई पर्सन है। आप इस चीज को समझ गए होंगे, वापस देखते हैं, हमें इस ब्लैंक के दोनों तरफ देखना है, आगे हमारे पास के पर्सन है और बाद में वर्ब है। देखो गाइस वर्ब के आगे क्या चीज आएगी, बोलिए वर्ब के आगे ठीक क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब इनमें से सब्जेक्ट कौन है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है और ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तो हमारा ऑप्शन रॉन्ग हुआ। ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, ये कब आएगा, ये कब आएगा। अगर यहां पर कोई लिविंग पर्सन है तो यू आएगा, और यदि नॉन लिविंग है तो विच आएगा। आप बताइए कौन सा आंसर हुआ, एक एक क्लियर करें, आंसर कौन सा हुआ, हु आंसर करेक्ट हुआ। यहां पर क्या आना चाहिए, हु, यानी कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन था ये राइट था, और ये नॉन लिविंग के लिए आता है। इस बात को हमने किस तरह से डिफाइन किया इसके बारे में चर्चा करते हैं, वापस रिपीट करता हूं आपको। पहले में ब्लैंक के लास्ट में, ब्लैंक के बाद और ब्लैंक के पहले देखना है। हमारे पास यहां पर वर्ब आई, वी टू लिखा हुआ है, तो वर्ब को तो सब्जेक्ट सही है और सब्जेक्ट दोनों में से ये दोनों बन सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहां पर लिविंग पर्सन है जिसके लिए विच नहीं आ सकता, तो क्या करना होगा, फिर हमें हु को सिलेक्ट करना होगा। देखो एवरीबॉडी न्यू हिम, लाइक हिम, अब यहां देखना, यहां वो भी है और डेट भी है, हुज, हुज हमारा ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि हुज पसेसिव एडजेक्टिव होता है, इसे नाउन चाहिए, जो नाउन यहां पर है नहीं, ये तो वी टू है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें क्या है यहां पर कोई सब्जेक्ट है इसको, ये दोनों आप गाइस यहां पर आंसर सही हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है। देखो मैं आपको इधर नोट करवा देता हूं, यहां देखिए अगर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी के साथ में नन या इसकी जगह पर नन या ऑल या समबडी, एक नोबडी,
अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट बना हुआ है तो आपको देट का यूज करना है, या वैसा फिक्स मान लो, मैं बाद में समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी आप अगर किस प्रकार की इन चार सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट यानी प्लस पांच, पांच में से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो आपको डेट भरना है सब्जेक्ट के रूप में, बी टू से पहले यानी वर्ब से पहले। ओके, अब यहां देखते हैं इसका ब्रेक आंसर क्या हुआ, इसका हु नहीं इसका डेट हुआ। मैंने कहा था कि डेट का यूज मल्टी यूज होता है, ये सब की जगह पर आ सकता है। देखिए गॉड हेल्प्स देम दोज, ईश्वर उनकी सहायता करता है, हेल्प देम सेल्व्स, हु नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास में वर्ब आ गई इवन, डेट भी नहीं आएगा क्योंकि इन पांच में से कोई नहीं आया, नोट करो पांच में से कोई नहीं आया गलत है, और हु करेक्ट होगा। और हु को देखो करेक्ट करने के लिए कंडीशन देखते हैं, यहां पर वर्ब है, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और तो यहां पर देखते हैं यहां पर पर्सन है दोज, यानी यहां पर लिविंग पर्सन के लिए आता है दोज, लिविंग पर्सन के लिए आया है, नॉन लिविंग के लिए भी आता है, लेकिन यहां पर लिविंग पर्सन के लिए आया है, यानी ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपने स्वयं की सहायता करते हैं, इसलिए इस वाले सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, हु द बॉय पर्सन है, यहां पर यू प्रोनाउन है। अब हमें देखो यहां पर ही दो में से सिलेक्ट करना है, द बॉय यू मेट यस्टरडे इज माय फ्रेंड। अब आपको ब्लैंक के पीछे देखो प्रोनाउन आया है, ठीक है सर हमारे पास तो प्रोनाउन आया है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि प्रोनाउन आने पर हु का यूज नहीं कर सकते, हमें वर्ब आने पर करना पड़ता है क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं होम ऑब्जेक्टिव केस है, इसका यूज यहां पर ब्लैंक के बाद में नाउन या प्रोनाउन आने पर करते हैं। तो यहां जो प्रोनाउन आया है क्या लिखे पर होम, ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। सी इज द लेडी आई सॉ एट स्कूल, अब देखिए आप द लेडी लिविंग पर्सन है, आई सॉ आई प्रोनाउन है, तो यहां पर क्या होगा, ये गलत और ये राइट, यहां पर भी क्या ऑप्शन होगा, यहां पर भी हूम करेक्ट होगा। अंडरस्टूड, ठीक है साहब। हम सेंटेंस नंबर सिक्स पर चलते हैं, द स्टूडेंट्स विद आई लिव इज जीनियस। देखो आपको यहां पर क्या करना है, हु होम और कुछ में से एक भरना है, तो द स्टूडेंट्स विद यहां पर प्री पोजिशन आई है, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन हम उससे पहले वाले जो नाउन को देखेंगे पर्सन है, और पर्सन के लिए इन दोनों में से एक तीनों में से कोई भी आ सकता है, वो बात क्लियर हो गई हमारे पास में। अब हमारे पास में यहां देखो ब्लेंक के बाद में प्रोनाउन आया है, तो ये तो गलत, अब यहां प्रोनाउन आया है तो कुछ भी गलत, क्योंकि वो पसेसिव एडजेक्टिव होता है, उसे तो क्या चाहिए, बोले क्या चाहिए उसे, उसे नाउन चाहिए, तो नाउन है नहीं यहां पर, तो क्या बचा हमारे पास में, हूं बचा। और वैसे में मैं आपको बता चुका हूं ब्लैंक के बाद में नाउन या प्रोनाउन आने पर और आगे लिविंग पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर होम का यूज करेंगे। आगे देखते हैं राकेश, ब्लैंक फादर इज एन इज अ कारपेंटर इज एन आईएएस। अब देखो यहां देखते हैं राकेश लिविंग पर्सन है, कोई ना कोई पर्सन है, ये हमारे पास में नाउन है, इस नाउन के लिए में ये गलत, समझ गया गलत क्यों हुआ, क्योंकि नाउन के आगे हम सब्जेक्ट टू केस नहीं लिख सकते, यहां पर पसेसिव केस आएगा, तो ये पसेसिव केस राइट है, डेट का यूज हम कर ही नहीं सकते यहां पर। देखो राकेश हूज फादर इज अ कारपेंटर इज एन आईएएस, इस तरह देखो गाइस मैंने यहां पर कुछ सेंटेंस लिखकर यानी क्वेश्चंस पैटर्न्स में लिखकर आपको कुछ वर्ड्स दे दिए हैं, मैं उनको फिर से रिमाइंड करवाता हूं। नंबर वन, हम हु का प्रयोग कब करेंगे, हु सब्जेक्ट टू केस है, यदि ब्लैंक से पहले कोई लिविंग पर्सन हो और ब्लैंक के बाद में कोई वर्ब हो तो हु का प्रयोग करेंगे, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्ट टू केस ही है, ब्लैंक से पहले कोई लिविंग पर्सन है और ब्लैंक के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन है तब हुम का प्रयोग करेंगे। गाइस हुज का प्रयोग कब करेंगे, जब ब्लैंक से पहले लिविंग पर्सन हो और ब्लैंक के बाद में कोई नाउन आई हो। डेट का प्रयोग कब करेंगे, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन
ऑल, नन, नोबडी और समवन हो, तब हम डेट का प्रयोग करेंगे। डेट सब्जेक्ट बन सकता है। विच का प्रयोग तब करते हैं जब कोई नॉन लिविंग पर्सन हो, उसके बाद में वर्ब आ सकती है, विच के बजाय बाद में वर्ब आ सकती है। तो इन सारी चीजों को आप समझे होंगे। अभी आपके सामने कुछ और सेंटेंस लिखकर मैं रिलेटिव क्लोज को आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसे नोट कीजिए। गाइस जब रिलेटिव क्लोज को इन सेंटेंस से और समझने की कोशिश करते हैं और आप हमारे साथ बने रहते हो, गाइस जब रिलेटिव क्लोज को एक बार इन सेंटेंस से और समझने की कोशिश करते हैं और इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं, तो किस प्रकार से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। देखो, द हाउस ब्लैंक इज मॉडर्न, इज कॉस्टली, हु, विच और हुज। हमारे पास में थ्री ऑप्शन है, इनमें से एक को में यहां पर भरना है, सिलेक्ट करना है। देखो द हाउस और यहां पर वर्ब आएगी, ब्लैंक के दोनों तरफ देखना है। यहां पर द हाउस लिखा हुआ है, नॉन लिविंग थिंग है, इज वर्ब है, तो देखो ये तो गलत हो गया है, क्योंकि लिविंग थिंग के रहता है, ये भी लिविंग थिंग के रहता है, ये विच और विच नॉन लिविंग थिंग के रहता है और ब्लैंक के बाद में वर्ब हो, ये भी इसके लिए जरूरी है। देखो ऑल द फ्रूट्स फॉल आर ईटन बाय एनिमल्स, यहां पर आपको देट और हु में से एक भरना है। देखो गाइस हमने भी बात की थी कि यहां पर वर्ब है तो हु हमारा सही हो जाता, लेकिन जहां पर ओवर आ जाएगा वहां पर हमें देट ही भरना है, न कि हु भरना है। ओके, देखो आई हैड अ ड्रीम, देखो ड्रीम नॉन लिविंग है, केम ट्रू, देट गलत हो जाएगा, विच करेक्ट होगा और हुज भी गलत होगा। देखो यहां पर क्या समझाना चाहता हूं मैं आपको, आई हैड अ ड्रीम, ड्रीम नॉन लिविंग है और यहां पर वर्ब आई हुई है, तो देखो देट तो सही हो ही नहीं सकता। फिर दूसरी बात हुज, हुज में क्या होता है, यहां पर नाउन आती, पसेसिव एडजेक्टिव, इसलिए वो भी गलत हो गया और हमारे पास में विच है तो विच को हम यूज करेंगे। आई हैव अ बैग, मेरे पास में एक बैग है, बैग नाउन है, ठीक है साहब, लिविंग है नॉन लिविंग है बात अलग है, चेन नाउन है, तो देखो आप बताइए नाउन को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, यह नहीं बन सकता, ये बन सकता है लेकिन ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसके साथ में कोई ना कोई प्रीपोजिशन आइटम बनेगा, ऑफ विच फिर बन जाएगा, ये ऑफ विच से बन जाएगा और यहां पर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ नहीं, इसलिए हुज एडजेक्टिव का काम करेगा, तो हम यहां हुज को भरेंगे, सेलेक्ट करेंगे। आई हैव अ बैग वो चेन स्मूथ, जिसकी चेन स्मूथ है। द कार टायर, कार देखिए आप नॉन लिविंग है लेकिन नाउन है यहां पर, तो इस नाउन को क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव यह नहीं है और यह नहीं है, एडजेक्टिव यह है, तो हुज यहां पर भरेंगे, सेलेक्ट करेंगे। डू यू रिमेंबर द डे, देखो द डे टाइम बताने वाला वर्ड है, तो इनमें से टाइम बताने के लिए कौन सा इसका यूज नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका यूज करते हैं वेन, जब यू वर अवार्डेड, क्या तुम उस दिन को जानते हो जब तुम्हें सम्मान मिला था, तुम्हें पारितोषिक मिला था। द रीजन सीधा याद रखिए गाइस, टाइम रिलेटेड आ जाए तो वेन बढ़ना है, द रीजन से रिलेटेड आ जाए तो वाई बढ़ना है, क्योंकि रीजन बताने के लिए हमारे पास में वाई का यूज करते हैं, तो हु गलत हो जाएगा, डेट गलत हो जाएगा, वाई करेक्ट होगा। ही वेंट टू अजमेर, अजमेर प्लेस बताने वाला है, आपको भी बता दो क्या आएगा, प्लेस बताने के लिए क्या आएगा, वेन नहीं आएगा, वेर इसका करेक्ट आंसर होगा, डेट भी मिलेगा। गाइस तरह से जो हमने रिलेटिव क्लोज को हमारे एग्जाम से रिलेट करके देखा है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे लिए इंपोर्टेंट होंगे, कैसे मैं इनको सही करना है, सारी चीजें हमने समझी। गाइस हमारे एडवर्ब क्लोज को हम कवर करते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक होगा ग्रामर का, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह से लाइव बने रहते हो, बने रहिए, आपका प्यार और स्नेह हमें इसी तरह से मिलता रहे, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स।